श्याम सुंदर ने देखा है अपनी बंसी को हाथ में लिया और श्याम सुंदर ने बंसी जिस समय बजाना प्रारंभ किया है तो भक्तों बताया जाता है कि श्याम सुंदर ने जब बंसी को बजाना प्रारंभ किया है और घर में गोपियाएं श्रृंगार कर रही है भक्तों, तो आज महाराज श्रृंगार करने का ध्यान ही नहीं है कि हमें कौन सी वस्तु कहाँ पहननी चाहिए और कौन सा श्रृंगार कहाँ करना चाहिए। महाराज वो भगवान कन्हैया की बंसी में गोपियां इतनी दीवानी हो गईं कि किसी गोपी को यही नहीं मालूम है कि हमें कौन से वस्त्र और कहाँ पहनने चाहिए। अब तो सूरज कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया कि ऐसी बजाई गई, अरे ऐसी बजाई गई और बसुरिया रे हो
सुंदर ने जब बंसी को बजाना प्रारंभ किया तब किसी के नाक में कुंडल बुलाती कानों में बताया भगवान कन्हैया ने ऐसी बंसी को बजाया और 101 रुपए कौशल उस्ताद जी जो कि गांव ढाबटी से यूपी के सुपरस्टार कलाकार हैं अनलिमिटेड यानी किसी भी चीज में तो 101 रुपए भेंट कर रहे हैं व्यास आसन पर श्याम ऐसी बजाए गई पथुरिया रे हो काना ऐसी बजाए गई कैसी बजाई किसी के नाक में कुंडल गुलाब की कानों में अशोक भाई किसी के नाक में कुंडल गुलाब की कानन में और काऊ के कोटन पे श्रीमान लिपस्टिक के आंखों में यही नहीं मालूम के कौन सा श्रृंगार हम कहां कर रही हैं हैं बंसी की धुन को पा करके काऊ ने थोड़ी पे दे गई काऊ ने थोड़ी पे दे कन्हैया ने जब ऐसी बंसी को बजाना प्रारंभ किया लेकिन भक्तों देखा भगवान कन्हैया ने बंसी बजानी प्रारंभ की है सभी सखियां उल्टे सीधे श्रृंगार करके भागने लगी जब सखियां श्रृंगार कर रही हैं ग्वाला आए हैं ग्वालाओं ने कहा एक बात बताओ तुम कहां जा रही हो श्रृंगार करके आए लेकिन ग्वालाओं ने बहुत पूछा सूरज लेकिन किसी भी ग्वाल ने कुछ ग्वालिनी ने कोई कुछ नहीं बताया कि उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट लाई कहने और अरे बहुत तेरा रोखा पतिया मेरा दिन वही बोला ग्वाला कहने लगे कहां जा रही हो हैं अब तो सभी गोपियां बोली हम कन्हैया का महाराज देखने जा रही है यमुना के किनारे कन्हैया महाराज को कर ग्वालाओं ने कुछ नहीं पूछा सखियां चली गईं आगे मैया पार्वती मिली हैं और मैया पार्वती बोली बहना श्रृंगार करके तुम कहां जा रही हो हैं भगवान श्याम सुंदर के बारे में वो सभी सखियां बोली हैं कि वो कन्हैया यमुना के किनारे बंसी को बजा रहे हैं और महाराज देखने के लिए कन्हैया का हम जा रहे हैं बोले महाराज बोले हाँ हम महाराज देखने के लिए जा रहे हैं पार्वती बोली बहना हम नहीं चल सकते हैं गोपियां बोली क्यों नहीं तुम भी चलो मैया पार्वती श्रृंगार करने लगी भगवान कन्हैया का महाराज देखने के लिए अब तो महाराज भगवान भोले बाबा आ गए और भगवान भोले बाबा आए हैं पार्वती से बोले पार्वती एक बात बताओ
अरे जब तुम कहीं जाती थी हमें बता करके जाती, लेकिन आज श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो, क्या कारण है? हैं? बोलो ना, कहाँ कारण, क्या है कारण बताओ। मैया पार्वती बोली, हम श्याम सुंदर यमुना के किनारे महाराज कर रहे हैं और हम उस महाराज को देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा बोले, एक बात बताओ, क्या महाराज देखने हम नहीं जा सकते? बोले नहीं, वहां मर्दों का काम नहीं है, वहां सिर्फ स्त्रियां स्त्रियां जाएंगी, वहां सिर्फ गोपियां ही गोपियां जाएंगी। भगवान भोले बाबा बोले, तो सुनो, तुम एक काम करो, जिस समय भगवान भोले बाबा बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ में कन्हैया का महाराज देखने बस चलूंगा, मैया पार्वती बोली ऐसे नहीं जा सकते, वहां मर्दों का कोई काम नहीं है। भगवान भोले बाबा बोले, तो एक काम करो, हमें साड़ी पहना ले, लेकिन महाराज बस दिखाओ, हम महाराज से बस देखेंगे कन्हैया का, कन्हैया महाराज कर रहे हैं तो हम भी चलेंगे। मैया पार्वती कहने लगी, तो तुम साड़ी पहनोगे, श्रृंगार करना पड़ेगा। भगवान भोले बाबा बोले, चाहे कुछ भी करना पड़े, श्रृंगार करो और साड़ी पहनाओ, हम जरूर जाएंगे महाराज देखने। बोली कोई बात